जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आज का ये टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इससे पहले हमने टॉपिक हम ये पढ़ रहे थे, मेजर्स ऑफ, अगर आपको याद हो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये हमारा टॉपिक था। इसमें आपने एक पढ़ा है रेंज, सेकंड आपने पढ़ा है क्वार्टाइल डेविएशन, और अब हम थर्ड ये पढ़ने लगे हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है। इसके बाद होगा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन वेरिएंस। ये हमारे टॉपिक्स हैं। सो आज स्टार्ट लेते हैं मीन डेविएशन, ठीक है। ये वाला ये टॉपिक है आज हमारा, मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन इसके यू डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पर गौर करें, मैथमेटिकल फॉर्म, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। सो अब आप डेफिनेशन देखें, मीन डेविएशन इज एवरेज। देखिए, जब आप एन से डिवाइड करते हैं तो ये एवरेज है। किसकी एवरेज है? जो भी हमने ऊपर लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू, उसकी एवरेज है। सो मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डेटा सेट फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डेटा सेट फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। मैथमेटिकली आप इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, ये तब है जब आपका डाटा इंडिविजुअल आइटम डाटा है, ठीक है। गौर करें, जब इंडिविजुअल आइटम डाटा है तो आपका फॉर्मूला मीन डेविएशन का ये है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन। और अगर यही अगर आपके पास डाटा आपके पास हो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में, देन फॉर्मूला ये बदल जाता है। आप एफ सिग्मा एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एफ से मल्टीप्लाई होगा। फिर फॉर्मूला है आपका मीन डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तब ये फॉर्मूला है। और ये दोनों अगर आप गौर करें ना, एक इंडिविजुअल आइटम डेटा है, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नोट कर लें, एक तो आपका डिस्क्रीट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरा इसमें ग्रुप डेटा भी शामिल होता है। जब हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों इंक्लूडेड है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी और ग्रुप डाटा भी। सो ये तब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब आपके पास डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है और दूसरा ग्रुप डाटा में। और ग्रुप डाटा में आप समझते हो, ग्रुप डाटा में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में, ये डायरेक्ट ये एब्सोल्यूट मेजर में ये फॉर्मूला है। अब आप ये जल्दी से अपनी नोटबुक पर ये बातें नोट कर लें, फॉर्मूला स्पेशली नोट करें, मीन डेविएशन फॉर इंडिविजुअल आइटम डाटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइड बाई एन, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो जल्दी से आप पहले इसको राइट डाउन करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो फिर मुझे बताएं, ये आपने नोट कर लिया? अपनी नोटबुक पर नोट करें बेटा, पहले कर रहे हैं आप, बताएं मुझे साथ साथ। हाँ यस सर, जी सर, शाबाश, ये लिखें जरा, फॉर्मूला लिखें। कर लिए सर। सर हमने एएम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो होता है। शाबाश। जी जी, हमने पढ़ी थी, लेकिन इसमें ना देखें, गौर करें, ये एब्सोल्यूट है। जो उसमें ये आता था, कुछ माइनस में वैल्यूज आती थी, कुछ प्लस में आती थी, तो अल्टीमेट जब हम सम करते थे तो जीरो आता था। लेकिन अब हमने उनको एब्सोल्यूट कर लेना है, जो माइनस में है उनको भी पॉजिटिव कर लेना है। एब्सोल्यूट समझ थी ना आप?
सर वो तो लास्ट पे जाके नहीं करेंगे एक्स नहीं माइनस नहीं एक्स नहीं बार को करने नहीं के नहीं बाद? नहीं 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 ये देखिए इस फॉर्मूले पे गौर करें, पहले x माइनस एक्स बार हर वैल्यू का फाइंड किया जाएगा और देन उसको सम करेंगे, समेशन बाद में होती है। ओके सर अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। शाबाश, अच्छा पॉइंट था आपका। वो सर एक ये मोड लगा हुआ है जो सर इसकी वजह से भी साइन चेंज हो सकते हैं अगर वो कॉन्सेप्ट। हाँ जी ये वो यही हमने यही करना है ना कि माइनस को प्लस कर देना है, प्लस का प्लस ही रहेगा, इसको एब्सोल्यूट पढ़ते हैं। हाँ जी एब्सोल्यूट फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ये लिख लिया बेटा, नोट कर लिया? यस सर। हाँ फॉर्मूला हो गया। अच्छा इसी का अब दो दो होते हैं ना, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। अब हम रिलेटिव देखेंगे, रिलेटिव मेजर, इसका रिलेटिव मेजर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविशन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविशन रिलेटिव मेजर में होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविशन। और इसका फॉर्मूला जो भी हमें हमने मीन डेविशन फाइंड किया होगा उसको डिवाइड डिवाइड कर देंगे अरिथमेटिक मीन से, यानी एक्स बार से, उसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविशन। और इसी को अगर हम परसेंट फॉर्म में ले जाएं तो उसे कहेंगे यू परसेंट। ये भी लिखें, राइट डाउन करें, बस ये लिखेंगे फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविशन इक्वल्स टू मीन डेविशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, जिसे हम एक्स बार लिखते हैं, और यू परसेंट होता है मीन डेविशन डिवाइड बाय एक्स बार, यानी वो जो आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविशन है इनटू 100। चलिए यू होता क्या वैसे, जैसे सी वी परसेंट ना इसी तरह इसकी कैले नोटेशन है, यू परसेंट लिखते हैं। U कोई एब्रीविएशन नहीं है, बस एक लेटर लिया है उन्होंने U परसेंट नाम दिया। आगे हम पढ़ेंगे CV परसेंट, CV CV परसेंट, तो यहाँ वो U परसेंट कहता है। जी हो गया शाबाश। अब हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन में हम उसी तरह से काम करेंगे कि पहले एक इंडिविजुअल आइटम डाटा ले लेंगे, उसका मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करेंगे हम। तो एग्जांपल में ये आ जाता है कि कंप्यूट द मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास इंडिविजुअल आइटम डाटा है, तो अभी देखें कि इसकी वर्किंग। मीन डेविएशन में हमने सबसे पहले कॉलम में इसका डाटा लिख लेना है, एक कॉलम है, जब आप डाटा लिख लेते हो ये देखें जरा, ये हमें डाटा गिवन है एक्स का, इसको हमने इस तरह से राइट डाउन कर लिया, ठीक है, ये डाटा हमने ये हमें गिवन है। और फिर आप क्या करते हो कि इसका मीन फाइंड कर लेते हो, अरिथमेटिक मीन, ये देखें अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना आता है। क्या करते हैं, आपने लिया सिग्मा एफ, सिग्मा एफ वो यानी वैल्यूज को सम किया 215, टोटल ऑब्जर्वेशन हैं 11, सो एन इक्वल्स टू 11, सो एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई एन 215 बाई 11 विच इज 19.5455। यूज पहले स्टेप में आपको देखें एक डाटा गिवन था और आपने फाइंड कर लिया सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स बना 215, टोटल ऑब्जर्वेशंस काउंट की तो 11 है, और अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो वो सिग्मा एक्स बाई एन 215 बाई 11 विच इज 19.5455। और नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने इसकी डेविएशन ले लेनी है, ठीक है, डेविएशन कैसे लेते हैं, 12 माइनस 19.5455, यानी एक्स बार आपने हर वैल्यू में से माइनस कर दिया। ये वो अभी आप बात कर रहे थे कि जीरो होता है, यस ये जीरो होता है, ये प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की कि अगर हम सम करें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वो जीरो होता है, लेकिन एब्सोल्यूट लेना है आगे, फर्दर एक और कॉलम बनेगा जिसमें हमें एब्सोल्यूट लेना है,
एब्सोल्यूट का क्या कंसेप्ट है कि नेगेटिव को प्लस कर लेंगे आप, ठीक है, माइनस 7.55 इसको प्लस में लिखेंगे 7.55। अगर प्लस में ऑलरेडी वैल्यू है जैसे 0.45 उसको एज सच ही लिखेंगे 0.45, प्लस प्लस में रहेगा। और यूं हमने तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव करके लिख दिया और फिर आप सम कर लेते हैं। जब आप सम कर रहे हैं तो वो बना 38.55 सिग्मा। ये वो है जो हम लिखते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट, और ये बना 38.55, ठीक है। यानी ये हमारे पास सम मिला है 38.55। फिर आप फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला आपको याद है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन, और ये वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, ये वैल्यूज पुट करके और इसको सॉल्व कर लें, वो बन गया 3.5। सो मीन डेविएशन इक्वल्स टू 3.5, राइट। ये एब्सोल्यूट मेजर आ गया आपका मीन डेविएशन। तो क्वेश्चन में एग्जांपल में ये लिखा था कि फाइंड मीन डेविएशन, देन ये लिखा था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला पहले वो लिख लें, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और ये मीन डेविएशन आपका मिला है 3.5, और मीन है अरिथमेटिक मीन 19.5455। सॉल्व करने के बाद मिल जाता है आपको 0.1791। इसको आप जस्ट परसेंट फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो ये आपका यू परसेंट आ जाता है परसेंट फॉर्म में। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को भी आप परसेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप 17.91% इस तरह से लिख सकते हैं। सो अगर आपके पास इंडिविजुअल, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास इंडिविजुअल आइटम डाटा हो तो आपको पहला काम ये करना है कि इसका मीन फाइंड कर लेना है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन होता है सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स आप 215 बाई 11 19.5455। फिर आप इसका एब्सोल्यूट ले लें, डेविएशन लें, अगले स्टेप में एक्स माइनस एक्स बार कॉलम बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार, फिर आप इसका एब्सोल्यूट वाला कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें अपने नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देना है। फिर आप इसको सम कर लें, इस केस में 38.55 बनता है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखें सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई एन, एन इज 11 हेयर, 11 लिखेंगे एन की जगह, और ये आंसर बना 3.5। जब कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करें, इसी मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दें, या इसकी परसेंट फॉर्म में लिख लें, या आप सिंपल इस तरह से रहने दें 0.1791। तो आप बताएं कि ये क्वेश्चन समझ आ गई आपको, इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? चलें, शाबाश, अच्छे बच्चे हैं आप। नेक्स्ट आप देखते हैं कि अगर डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दे दिया जाए, जैसे देखें यूं डाटा दिया जाता है, ये जो एक्स और एफ फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ डाटा, ठीक है, और इसमें वो कह रहा है कि फाइंड मीन डेविएशन। यूं आपको डाटा गिवन है और हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे कि आप इसको कॉलम वाइज लिख लें, डाटा को कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। ये मैंने डाटा कॉलम वाइज लिख लिया, और फिर यही काम के मीन फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी फॉर्म में डाटा है तो इसका मीन का फॉर्मूला आपको आता है सिग्मा, क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स मीन, मीन का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, याद है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ।
तो इसको फाइंड कर, ठीक है ना, इसको फाइंड करने के लिए आप एक कॉलम बनाओगे, ये सिग्मा सिग्मा एक्स वाला कॉलम। कैसे होता है, आपने 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, वो बना 96, ठीक है। 12 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 96। यूं आपने वैल्यूज अटेन कर लेनी है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ एक्स विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। 14 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 126, 16 इंटू 5 इज 80। सो कंस्ट्रक्ट दिस कॉलम एफ एक्स बाई टेकिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच वैल्यू ऑफ एक्स विद इट्स रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। देन आप इन दोनों कॉलम्स को सम कर लें, एक आपका है एफ उसे सम करें, वो बना 66। और सेकेंड आप मीन फाइंड करने के लिए एफ एक्स कॉलम का सम करेंगे। सो अब आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दें, एक्स बार होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सो 1268/66 आंसर इज 19.21, 19.21 ऐसे आ गया आंसर। यहां तक आप ऑलरेडी जानते हो, फेमिलियर हो कि मीन कैसे फाइंड करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में, यहां तक आप जानते हो। नेक्स्ट आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है, तो ये कॉलम बनाओगे, ये कॉलम है डेविएशन का। डेविएशन यानी हर एक्स में से, जैसे यहां 12 में से माइनस करें 19.21, एक्स की हर हर वैल्यू में से 19.21 आप माइनस कर दें, यूं एक डेविएशन आ जाती है अबाउट अरिथमेटिक मीन, राइट। जैसे लास्ट वैल्यू क्या बनेगी, 28-19.21 आंसर इज 8.79। और यहां देखें, कोई बताएगा कि ये जीरो क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है? क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि इंडिविजुअल एटम नहीं है, इंडिविजुअल एटम। हाँ शाबाश, इसको जीरो लाने के लिए हमें एफ से मल्टीप्लाई करना होगा पहले, जब, जी जी हाँ शाबाश सही कह रहे हैं, जब एफ से मैं मल्टीप्लाई करके सम करूंगा फिर इसका आंसर जीरो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है इसलिए वो स्टेप नहीं किया। सो नेक्स्ट आप ये काम करें कि इसका एब्सोल्यूट ले लें, इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, एब्सोल्यूट यहाँ वैल्यूज गलत लिखी हुई है ना, ये मेरे ख्याल इसको ठीक कर लें। जी सर, वही देख रहा हाँ ये सही कर लें, यहाँ देखें इसको आपने ठीक कर लेना है, ये मैंने ऐसे करके ठीक कर लिया। नेगेटिव जो एब्सोल्यूट के अंदर जो नेगेटिव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बाकी पॉजिटिव और जीरो एज सच रहते हैं। ये जरा चेक करें, 8 को मल्टीप्लाई करके 7.21 से क्या यही आंसर आता है? 8 पॉइंट मल्टीप्लाई करें क्या, हाँ जी 7.21, 57, ये सही आ रहा है। नेक्स्ट कॉलम ठीक है, जी जी पूछें कुछ, ये ठीक है कॉलम, यानी आपने 57.68 है। 68, चलें वो राउंड ऑफ करके ना, यस उन्होंने 70 लिख दिया, कोई बात, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया। ओके, तो 57.7 जैसे आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 9 मल्टीप्लाई करें 5.21 से, तो ये बन जाता है ये 46.91। अगर कोई कैलकुलेशन में मिसिंग हो तो आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ओवरऑल इसका सम करें, इसका सम बन गया 265.58, ठीक है। ये वर्किंग हुई,
कॉलम याद रहे आपको दो कॉलम दिए होते हैं, आपने ये पहला काम किया कि सम कर लिया, दूसरा काम किया कि आपने सिग्मा एफ एक्स लेकर सम कर लिया, देन आपने मीन फाइंड किया है, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके। मीन फाइंड करने के बाद आपने डेविएशन ले ली है मीन से, एक्स की वैल्यू में से एक्स बार माइनस कर देना है, और ये भी इसका सम हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने इसे डिलीट कर दिया। फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें और फिर आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल सम कर लें। नेक्स्ट हम ये काम करेंगे कि इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला, और मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला है, ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में एफ साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो जो जो आंसर आपको मिला है, सम मिला है 265.58 और सिग्मा एफ है 66, डिवाइड करके चेक करें तो आंसर बना 4.0239। साथ ही आप इसका फाइंड कर लें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और वो होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, वो ये बन गया 0.2094। वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम इंडिविजुअल आइटम डाटा पर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी साथ आ गई है, वो साथ फ्रीक्वेंसी ऑपरेट कर देंगे हम, और अगर यू परसेंट रिक्वायर्ड है तो इस तरह से हम इसका यू परसेंट 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 फॉर्म है वो हमने लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर ग्रुप डाटा आ जाता है, लाइक ये देखें, ये ग्रुप डाटा में डाटा दे दिया गया, ग्रुप फॉर्म में डाटा है। ग्रुप में कैसा होता है, ये यहाँ तक डाटा गिवन होता है आपको, और फिर आप वही, आप पहले एक्स फाइंड कर लें, एक्स मिड वैल्यू होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की मिड वैल्यू है, वो फाइंड करने के बाद जो प्रीवियस आपने ये अभी काम किया है वो सारा का सारा सेम रिवाइज कर दें। मीन फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन टेक द डेविएशन अबाउट मीन, देन एब्सोल्यूट, देन मल्टीप्लाई विद एफ फ्रीक्वेंसी, टेक द सम, राइट द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन विच इज सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट डिवाइड बाई सिग्मा एफ, putting the values you can get the answer of mean deviation here 6.7582, then write the formula of coefficient of mean deviation divided by mean formula is, and if you want to compute the u percent percent form of this relative measure, this is mean deviation by mean into 100%. So 10.68%। तो बताएं यहाँ तक कि आपको मीन डेविएशन की समझ आ गई है, जिसमें आपको इंडिविजुअल आइटम डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप डाटा, इस तीनों फॉर्म में अगर हो तो आप मीन डेविएशन क्या आप फाइंड कर सकते हो, बताएं जरा। यस सर। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप गौर करना, ये जो भी डाटा आपके सामने नजर आ रहा है जहां एब्सोल्यूट लिया हुआ है ना, ये गौर कीजिएगा, मैंने नेक्स्ट जब पढ़ाने लगा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें इसको चेंज करना है हमने, ये स्केयर फॉर्म में लेके जाना है, यानी ये जो एब्सोल्यूट है इसको हमने इस तरह से करना है कि ये स्केयर फॉर्म में ले जाना है इसको। ये अभी देखिएगा, मैं इसको अंडू कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट ये ही होगा, ऐसा होगा, इसका स्केयर फॉर्म ले जानी है और फिर इसको सम कर लेना है, और फॉर्मूला में देखिएगा क्या फर्क है, एब्सोल्यूट की जगह स्केयर्ड फॉर्म आने लगी है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम डिफाइन करने लगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एस डी से लिख लें या जस्ट एस के साथ लिख लें, एक ही बात होगी, एस डी लिख लें या आप इसको जस्ट एस के साथ लिखा करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, और आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म पर गौर करें, फिर इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं।
ये मैथमेटिकल फॉर्म है और जल्दी से आप इसको लिखें। वहां एब्सोल्यूट था याद है, मीन डेविएशन में हमने लिखा था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट, लेकिन यहां एब्सोल्यूट नहीं कर रहे, स्केयर करके इसका स्केयर रूट कर देना है ओवरऑल। वहां स्केयर रूट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि यहां स्केयर कर रहे हैं इसलिए इसका स्केयर रूट करेंगे। सो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये स्केयर रूट ऑफ, मैथमेटिकल फॉर्म देखकर मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं क्या, कि स्केयर रूट ऑफ, आगे जब भी एन से डिवाइड करते हैं हम कहते हैं स्केयर रूट ऑफ एवरेज ऑफ, और ये क्या है, स्केयर्ड डेविएशन, स्केयर्ड एब्सोल्यूट नहीं है, स्केयर्ड, स्केयर्ड डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। दोबारा सुने, मैंने अब डेफिनेशन इस तरह से बना ली कि स्केयर रूट ऑफ या पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ, ये याद रखिएगा, प्लस माइनस नहीं आता, पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ, ये अगर आप इस तरह से लिख दें पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ तो ज्यादा बेहतर है, पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्केयर्ड डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको एस डी से लिख लें, जस्ट एस से लिख लें, एक ही मतलब होगा। ये डाटा, ये कब है, ये इंडिविजुअल आइटम डाटा में, ये अंडरस्टूड होगा कि हमने प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कब है, जब डाटा आपका इंडिविजुअल आइटम डाटा है, ये तब है फॉर्मूला, when the data is in individual form। और इसके दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड, नंबर वन डायरेक्ट मेथड, इसको अगर मैं ये कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड है एक एक मेथड, और सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में दो केसेस आते हैं, इसको मैंने कहा दो मेथड्स हैं आपके, नंबर वन एंड नंबर टू। डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, इसको भी आप राइट डाउन करें, पहले आप नोटबुक पर राइट डाउन करें प्लीज, और लिख कर इसको याद कर लें। यहां तक लिखें फॉर्मूला, एस डी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर रूट। ये लिख लें, जी लिख लिया फॉर्मूला, लिख लिया बेटा जी सर। अच्छा एक और काम करो, अभी साथ ही आपने लिखते जाना है, अगर हमें फॉर्मूलाज आ गए तो समझे कि हमें बात समझ आ जानी है। अच्छा दूसरा मैंने कहा था शॉर्टकट, शॉर्टकट फॉर्मूला, ये शॉर्टकट मेथड। अच्छा शॉर्टकट में दो मेथड्स हैं, एक कहते हैं एक्स मेथड, शॉर्टकट में एक्स एक्स यूज करते हैं, और इसी शॉर्टकट में एक सेकंड मेथड है डी, डी यूज करते हैं, डी फॉर डिवीजन। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म सिग्मा एक्स स्क्वायर, असल में वो जो मैंने अभी डिलीट की है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इतनी जो है ये इसके इक्वल होती है, प्रूव कर लेंगे इसको, यानी ये इसको हम प्रूव कर लेंगे कि ये जो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इसके इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको प्रूव कर लेंगे, अभी मैं इसकी प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, इसे हम प्रूव करेंगे, यानी ये जो है रिजल्ट इसके बराबर होता है, समझ आ रही बात। तो अगर मैं इसी डायरेक्ट फॉर्मूला में इसको रिप्लेस कर दूं, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर बाई एन, तो अब ये देखें एन इस डिवाइजर में चला जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स, ये एक एन से मिलके एन स्क्वायर हो जाएगा, और वो ये फॉर्म आ जाएगी। आपको इतना याद करना है, अभी ये जो मैं रेड कर रहा हूं ना,
इतना याद करना है आपको, ये जो मैंने रेड फॉर्म में लिखा है फॉर्मूला, ये है एक्स मेथड, इसको लिख लें अभी। सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ये मीन है याद रखें। आप एक्स बार स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी को देखिए, मैं अगर रिपीट कर दूं, इसी को हम ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये जो है इसको आप मीन के साथ रिप्लेस कर सकते हो, देखिएगा, यानी ऐसे। ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। अच्छा बताएं, लिख लिया फॉर्मूला, आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन में यही काम करना है हमें। अच्छा अभी 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 ये देख लो, डी मेथड, डी में जहां हमने एक्स लिखा हुआ है उसमें डी कर देना है, जहां एक्स लिखा है ना उसको डी कर दिया। और डी क्या होता है, ये डेविएशन अबाउट प्रोविजनल मीन, ए आप समझते हैं प्रोविजनल मीन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये डी मेथड है। अब मैं एग्जांपल की तरफ जा रहा हूं, फिर इसमें अगर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में डाटा आ जाता है तो वो मैं समझ है कि हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये कभी कहीं आप फॉर्मूला याद कर लेना, लिख लें, आगे मसले हल हो जाएंगे आपके। ये फॉर्मूला और जो आपका एक्स मेथड है उसमें भी आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर था सिग्मा एक्स स्क्वायर, आपने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देना। यहां आपका सिग्मा एक्स था, इसको सिग्मा एफ एक्स कर लेंगे, डिवाइडेड बाई एन था तो सिग्मा एफ कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चाहे वो ग्रुप डाटा हो या वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो फॉर्मूला डायरेक्ट में ये आएगा और शॉर्टकट में ये दो, एक्स मेथड और डी मेथड, ठीक है, ये डी मेथड ये लिख लेंगे। तो क्या आप लिख रहे हो, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी अगर डाटा आ जाता है तो क्या ये तीनों फॉर्मूलाज लिख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। आगे हमने इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके क्वेश्चन हल कर लेना है। अच्छा ये देखिए, अब आपके पास बन गया यू डेटा, बेटा आ गया एक्स फॉर्म में इंडिविजुअल आइटम डेटा, उसका आपने डेविएशन ले लेनी है। मैं आप जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डेविएशन लेंगे अबाउट मीन, ठीक है, ये हमने डेविएशन ले ली अबाउट मीन, और फिर आप स्केयर फॉर्म में ले जाएंगे इसको, ठीक है, ये डेविएशन आ गई, और फिर आप इसी का स्केयर कर लेना है, ठीक है, स्केयर कर लेना है। और यहां हम फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, हाँ जी ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, मैं बाकी ये डिलीट करना होगा मुझे, इतना इजाफी लिखा गया है। एक सेकेंड, ब्लीड ज्यादा हो गया। हाँ ये था, अच्छा इसमें ये वाली बातें जो हैं इनको डिलीट कर लें,
ये देखिए डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन फाइंड किया गया, मीन फाइंड कर लेना, ये मीन आ गया, ठीक है, मीन फाइंड कर लेना है। मीन फाइंड करने के बाद आप डेविएशन ले लें, उसका स्केयर करके सम कर लें, स्केयर करने के बाद सम करते हैं तो ये बना 268.73। फिर आपने क्या किया, इसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इंडिविजुअल आइटम डाटा में। तो गौर कर लें इस स्लाइड पे, क्या आपकी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, क्या ये जो कैलकुलेशन हुई हैं आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर, क्या आप समझ रहे हैं? यस सर। हाँ जी, अंडरस्टैंड कर लिया। यस सर। यस सर। शाबाश। सीवी परसेंट भी क्या आप फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। एस बाई मीन, एस कितना है 494, ये लिखा 494, मीन कितना है 19.5455, यस, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लो, वो बन गया 25.27%। तो इस तरह से सीवी परसेंट आ गया हमारा, ठीक है ना। अब आप खुद ही बताओ कि अगर ये फ्रीक्वेंसी, अच्छा डी फॉर्म में अगर आ जाता है डाटा, ये देखो ये डी फॉर्म में, डी में क्या करते हैं इसका डेविएशन निकाल लेते हैं। जैसे कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना होता है, जैसे यहाँ 18 ले लिया है, हर वैल्यू में से 18 माइनस किया, फिर ये डी है तो डी स्केयर कर लेना है। जैसे हमने एक्स के बाद एक्स स्केयर किया था, आप डी डी स्केयर कर लेंगे, इन दो कॉलम्स का सम कर लेंगे, डी एंड डी स्केयर, और देखो फॉर्मूला आ गया आपके पास, सिग्मा डी स्केयर बाई एन, सिग्मा डी बाई एन होल स्केयर। यहां आपने वैल्यूज पुट करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर ली। सो डी मेथड में ये काम किया आपने। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड मैं इसको जरा सेट कर लूं। जी पूछे सर, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लें। चले नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर, ओके ओके, नमाज का टाइम हो गया। चले ठीक है जी सर, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर ना आपको? जी सर। चले ठीक है, मैं आपके अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा। और 2:40 पे सर सेकंड लेक्चर आज ही। हाँ ठीक है, 2:40 पे इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। चले ठीक है फिर, ओके हम क्लास ऑफ करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हाय बोलो बोलो।